अरियाउरा की समस्या समाधान कर क्या होगा? और मांगो को पिछली बार हमने जो ज्ञापन लिया था सेम प्रोसीजर है मैडम जी। एक मिनट भाई भाई हाथ जोड़ के अनुरोध हमें देखो न्यू नहीं भाई अधिकारी और उसका सम्मान होना चाहिए। ज्ञापन है जी ज्ञापन नहीं जी ज्ञापन के लिए हम समाधान करते हैं। दो दो तीन सुनो भाई ज्ञापन की चल सिंह साहब को दो जी ज्ञापन आप कर लीजिए कॉपी मैडम जी मोटी मोटी बता दीजिए मुंह जबानी टेबल बैठ जाओ। बात यह है जी किसानों की फसलें खराब हो रही है जी सो की सो और सरकार चाहती है कि भाई गुमराह करके किसान फसल काट के गरीब नगर जान मुआवजा ना जाए। हम चाहते हैं कि हर गांव में पटवारी जा करके ये बता दे तेरे गांव में 70% नुकसान है आप ये जिम्मेवारी ले लो पटवारी ने मैं भेजूंगी और ये बताऊंगा हर गांव में जाके कि भाई तुम्हारे गांव में इतना नुकसान हो रहा है अगर ट्रैक्टर का चलान हो गया तो इससे भी अगला जो कार्यक्रम होगा मेरे हिसाब से तो हजारों की संख्या में अगला है कि जो वो सरकार से हमारी सीक्रेट पॉलिसी इन दो मुद्दों पर जी आप ये बता दो अगर आप जिम्मेवारी तो लो हो तो ठीक है अगर जिम्मेवारी नहीं ले सकते तो आप बात कर लो तो भी हो जाएगी बात शाम का सुनो भाई सुनो भाई शांति भाई जी जी नहीं इसके बीच में एक स्पेस रहेगा। हम जो मुख्य बात उठाना चाहते हैं ये किसान एक भरोसे पर आए हैं जी और इनको हमने एक बात का भरोसा दिया है कि आन की ना पटवारी से हमने न्यू बता दे वो कॉपी कटवा दियो आप रिपोर्ट की जो बढ़ेगी ना वो कॉपी ले जाके न्यू कर दी भाई आपके गांव में 50% है सही है ना भाई ओरिजिनल अगर वहाँ पे गिरदावरी सही नहीं करी उसने गलत करा फर्क थोड़ा सा आप इनसे बाद में बात करें एक बार पहले तो मैं आपको बता दूँ जी 28 फरवरी आपका लास्ट जो ऑफिशियली हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन होगा वो आप मेरे को रिप्रेजेंट कर देना ब्रीफ वेरीफाई करवा लेंगे। नहीं जी नहीं इस पर सहमत नहीं होंगे जी हम तो एक ही बात पर सहमत होंगे जो पटवारी गांव का लगा रखा है वो एक दिन गांव में जाके ये नहीं बता सकता भी आपके 50% है आप उनकी ड्यूटी लगा दो हम मान जाएंगे इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक ड्रोन से हो रही है जी एक एडीओ कर लग रहा है हॉर्टिकल्चर का तो हम चाहते हैं वो सारे इकट्ठे करके हमने न्यू बता दे जी फाइनल आपके गांव की ये नुकसान है अगर उसके अंदर कहीं कहीं कमी रहे तो हम दोबारा देखा उसकी कॉपी हमारे को दी जाएगी ना कॉपी मिल जाएगी भाई इस बात पर सहमत छो भाई मुआवजे पे सरकार से बात क्यों नहीं करा देते आप यहाँ से फोन करो ओसडी के पास कर लो आपने जैसे जो भी अपना वो बनाए ना वहाँ का जो भी मुख्य सचिव है उनका जो मुख्यमंत्री है उनसे हमारे प्रतिनिधि डेलीगेशन भी बात कराओ। जो चालान है ट्रैक्टर के चालान तो आपके प्रशासन के अधिकारियों ने काटे सिंपल लाइन के सिंपल लाइन आप एक बार यहां से एक वो करो इस तरीके से
कानून व्यवस्था को आप लोग डिस्टर्ब करके अगर आप ये सोचेंगे कि मध्यस्थता की जाए तो वो थोड़ा सा फिर अच्छा देखो सुनो जगवीर जगवीर सुनो आपको सुनो मैडम आप अरे मैडम आप अपने 10 रिप्रेजेंटेटिव आके मेरे ऑफिस में बैठ जाइए ठीक है बैठ जाइए आपके सारे मुद्दों पे बात भी करेंगे और जो भी समाधान होगा सीएम ऑफिस में बात कर लेंगे या इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लेंगे हमारे द्वारा जो मुद्दे सॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे बात कर लेंगे। एक मिनट मिनट जो आपने क्वेश्चन किया कि लाइन ऑर्डर खराब करके या दबाव बना के हमसे काम करवा लो सुनो जगदीप आपको कैसे फीलिंग हुआ कि हम दबाव बना करके या रोड जाम करके पहले सुन लो आपके पूरे बात हो गए आपने ये आरोप लगाया कि आप इस तरीका से करेंगे तो कैसे हो जाएगा पहली बात तो मैडम मेरी बात सुनो पहली बात मैडम एक मिनट सुन लो मैंने सुना आपको पूरा पब्लिक हियरिंग पहले एक मिनट मेरा सुन लो पहली बात तो संविधान में सभा करने का ज्ञापन देने का अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में लिखा हुआ है संविधान को ना आप तोड़ सकते ना संविधान को मैं तोड़ सकता दूसरी बात देश का किसान बहुत सीधा साधा है बहुत भोला भाला है ना तो इसने कभी लाइन ऑर्डर पार किया है ना लाइन ऑर्डर तोड़ा है अगर लाइन ऑर्डर भी तोड़ा है तो प्रशासन ने तोड़ा है जब भी बल प्रयोग किया है तो प्रशासन ने किया है जब भी लाठी चलाई है तो प्रशासन ने चलाई है जब भी पानी की फुहारें चलाई है तो प्रशासन ने चलाई है जब भी मुकदमे लिखे हैं तो प्रशासन ने लिखे हैं जब भी गोली चलाई है तो प्रशासन की तरफ से लिखा गया है किसान ने कभी भी मैडम सुन लो किसान ने कभी भी लाइन ऑर्डर पास नहीं किया किसान रोड जाम भी नहीं करता हाँ मजबूरी होती है कि सामने वाला अंधा बहरा गूंगा बना बैठा रहे हमारी बात ना सुने तो हमें गिरफ्तारी देने की मुकदमे झेलने की आपकी लाठी खाने की फिर हमारी मजबूरी होती है उसके लिए हम तैयार हैं नहीं जी एक एक चीज देखो समाधान एक चीज आपने जिम्मेवारी लेनी क्योंकि सीएम भी मान ली वहाँ हम सेटिस्फाई हैं आपको भी दूसरे पर नहीं एक चीज करनी पड़ेगी उसके अंदर हम आप ही जब आप मदद कर रहे हो ना तो इस तरह को हमने जिस तरह कई रिजल्ट दिए हमने वैसा ही था एक मिनट आप एक चीज का कर दो या तो एक चीज का दो भैया ट्रैक्टर के बलान बंद करवाने की जिम्मेवारी लेती हूँ या ये कह दे भैया आपकी मीटिंग फिक्स मैं करवाऊंगी कई दिन में हो नहीं तो फिर घेर लेंगे हम सही है ना भाई सही है ये ना इस पर सहमत हो जाए सही है भाई ऑफिस में नहीं जी ऑफिस में नहीं हम सीएम से ही बात करेंगे जब आपका लेवल नहीं है हाँ जी फिर ठीक है बस तो टाइम अच्छा इसके लिए फिर बात तो हाँ हाँ उसके लिए टाइम आप जिम्मेवार आप हो उसके लिए टाइम बेटा गरीब व्यक्ति बड़ी मुश्किल से एक और बात है ये जो 2023 में जो थोड़ा डीजल का है भाई थोड़े पीछे हट लो भाई अभी हट लो मैं